तो गाइज फाइनली हम लोग पहुंच चुके किचौजा शरीफ के दरगाह, जहां के तालाब के पानी पे नहाने से भूत परी जिन्नात सब हो जाते दूर और भाग जाते हैं। बाद में आपने खुद फरमाया था कि जो इस पानी में नहाएगा या जो इस पानी को पिएगा, चाहे वो किसी भी मर्द का हो जी, कोई भी मर्द हो, यहाँ तक कि बड़े से बड़ा मर्द जैसे कि कैंसर जी, कैंसर का भी मर्द अगर है, अगर इस पानी से नहा रहा है और इस पानी को पी रहा है तो यहाँ इंशाल्लाह जो है उसको शिफा बहुत जल्द से जल्द मिलेगी। ये हमारे यहाँ जो ये मखदूम साहब अपनी हयात में ये फरमाया था, और आज इसमें ये बताया गया कि इसमें जो है आबे जमजम का पानी भी आप लाके और इसमें मिलाया था। और इसके साथ साथ आपको बताऊंगा कि इस दरगाह शरीफ में आप लोग कैसे जा सकते हो, और ज़ियारत की टाइमिंग क्या है, दरगाह शरीफ कब ओपन होता है, कब बंद होता है, और इनका उर्स कब आता है। और इसके साथ साथ बताऊंगा आप लोगों की पागलों को किस तरीके से जंजीरों में जकड़ा जाता है यहाँ पर, और किस तरीके से कितने दिन में चिल्ला खींचा जाता है और कितने दिन में इंसान यहाँ पर ठीक हो जाता है। लेकिन इसमें जो मसला ये होता है कि आप जो है अगर यहाँ पे जो है जितना अदब व एहतराम से रहेंगे उतनी जल्दी आपसे क्या क्या देखा है यहाँ पे इन 10 सालों में आपने। मैं तो पहले अपना ही बता दूं जी, आपका ही बताइए, क्योंकि मैं तो एक मरा हुआ लाश बन के आया था इस दरबार में, और इन्हीं का करम है जो आज मैं जिंदा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर खान। तो फाइनली आज का ब्लॉग मेरा ये कि आज मैं आया हूँ किचौजा शरीफ यानी मखदूम शाह बाबा की रहमतुल्लाह की बारगाह पे आया हूँ। तो आज हम लोग हजरत के साथ में जा रहे हैं दरगाह शरीफ ज़ियारत करने, उसके साथ साथ बाबा जान की करामत के बारे में बताएंगे, और आप लोगों को यहाँ के नील क्या बताया आपने, नील शरीफ यानी यहाँ का जो तालाब है, यानी कह सकते हो आप या नहर कह सकते हो, तालाब कह सकते हो, तो उसका पानी पीने से और नहाने से उससे शिफा मिलती है, तो आज वो भी दिखाएंगे। उसके साथ साथ हजरत के साथ में बताएंगे चिराग के करामत के बारे में कि कितने दिन तक चिराग को जलाना है और चिराग जलाने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो चलो चलते जानकारी करते और आपको बताते हैं दरगाह शरीफ। तो आप लोगों को बता दूं यहाँ पे मैंने सस्ता अच्छा रूम लिया है, और अगर होटल की जानकारी चाहिए तो रूम होटल की जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, आप कमेंट कर देना। और सस्ता अच्छा खाना कहाँ पर मिलेगा उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि मेरा एक उसूल रहता है कि मैं पहले वीडियो बनाता हूँ उसके बाद में होटल और खाना रहना बताता हूँ, ताकि आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिले जाने के लिए। और यहाँ पे माशाल्लाह गरीब नवाज सरकार की तरह देख सकते हो, तो गुम्बद शरीफ बना है यहाँ पर भी, एक दरगाह ये भी दिखाएंगे। तो गाइस फाइनली हम लोग जा रहे हैं दरगाह शरीफ की तरफ, तो चलो चलते हैं आप लोगों को दरगाह शरीफ की ज़ियारत कराते हैं। और ये देखिए पूरा मार्केट है माशाल्लाह, यहाँ पे बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं और खास करके खजूर लेके जाते हैं, और उसके साथ साथ पता नहीं क्या क्या लेके जाते हैं, पानी ले जाते हैं, हाँ नहर पानी के लिए। और ये देखिए हम लोग दरगाह शरीफ क्यों जा रहे हैं, इससे पहले आपको यहाँ से देख सकते हो कितना खूबसूरत मंजर आपको देखने को मिलेगा यहाँ से ज़ियारत करते हुए, आराम से माशाल्लाह पूरी, मतलब आप जहाँ से नजर डालोगे वहाँ से दरगाह की ज़ियारत हो जाएगी माशाल्लाह। तो हम लोग दरगाह की ओर जा रहे हैं। एक चीज और जानना चाह रहा था आमिर भाई आपसे, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारी गली खोपचा है, सारे जगह से रास्ता निकलता है दरगाह के लिए, कहीं से भी निकलेंगे आस्थाना आपको दिखेगा, है ना, कोई भी गली किसी भी गली से आप निकलेंगे आपको सामने आस्थाना ही दिखेगा है। अच्छा कितनी गली खूब चाहे यहाँ पर, अरे यहाँ पर लगभग 15 से 20 गली है, 15 से 20। ये देखिए सामने आस्थाना शरीफ है, और ये देखो लोग नहा रहे हैं, तो देख सकते हो माशाल्लाह हम लोग दरगाह के करीब पहुंच गए नील शरीफ के पास। तो यहाँ पर देख सकते हो पब्लिक जो है ना यहाँ पे पानी से नहा रही, इस पानी से भर भर के लोटे के साथ नहा रही है। और इस एक बात मैंने इसमें और देखी कि इस नदी के अंदर लोग, मतलब नहर के अंदर या आप इसको तालाब भी कह सकते हो, इसके अंदर कूद के कोई भी नहीं नहा रहा है, तो ये भी मैं खादिम साहब से जानकारी करके बताऊँगा, सभी लोटे से भर भर के ही पानी लेकर के नहाते हैं माशाल्लाह। और कितना खूबसूरत प्यारा दरगाह शरीफ है देखिए, तो देख सकते हो माशाल्लाह दरगाह की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पे काफ़ी ज़ायरीन और हाजरीन हाजरी वाले बैठे हुए हैं, देख सकते हो हाजरी लग रही है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे हाजिरी लगती है, बड़े दूर दूर से लोग आते हैं जिनके अंदर भूत परी जिन्नात कोई भी बड़ा से बड़ा पेशाच
कोई भी मतलब जिन जिन्ना जो भी कब्जा कर लेते हैं शरीर के अंदर, वो इस पानी पे नहाने के बाद ठीक हो जाते हैं, और खादिम साहब से आप जानकारी करके आपको बताते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो माशाल्लाह मैं पहुंच चुका हूँ मखदूम शाह बाबा के रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह पे, जो कि केशवला शरीफ में है। और यहाँ पे माशाल्लाह बड़ी दूर दूर से लोग जारीन हाजरीन आते हैं और यहाँ के पानी से नहा करके शिफायाब होते हैं। तो हमारे साथ में मौजूद है अभी खादिम साहब, हम उन्हीं से जानकारी करेंगे और आप लोगों को बताएंगे यहाँ के बारे में। तो अभी ये देखिए माशाल्लाह बड़ी दूर दूर से जारीन आते हैं, यहाँ के पानी से नहाते हैं। तो हम जानकारी करेंगे कि बाबा जान कौन थे, कहाँ से आए थे और बाबा जान की क्या करामत है। आज करामत भी जानेंगे और यहाँ पर किस तरीके से सारी रस्म रिवाज होती है और उर्स कब होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बाबा जान कौन थे, कहाँ से आए थे, बाबा जान की क्या करामत है, जी बताइए। देखिए ये आस्ताना मखदूम अशरफ है और ये जो जिनका ये आस्ताना है ये सिमनान से चल के आए थे जी। और सिमनान के ये बहुत बड़े बादशाह थे, वहाँ से आए यहाँ पे जो है, वहाँ जो इनको जब बादशाहत दी गई तो इन्होंने फकीरी को इख्तियार किया और ये पूरी दुनिया को जी गश्त करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, इसलिए इनको जो है जहांगीर कहा जाता है। अच्छा माशाल्लाह। तो आपको मैं बता दूं कि जब यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं आस्ताना, ये मखदूम अशरफ का जो आस्ताना ही आप देख रहे हैं जी। तो ये एक तरीके से एक पूरा टीला था, टीला मतलब जैसे गांव में होता है एक पहाड़ टाइप छोटा सा जी, तो ऐसे ही टीला था और लोग यहाँ पे रहते थे जी। और उसके बाद में और यहाँ जब आप तशरीफ लाए तो यहाँ के जो राजा थे या राजा कह लीजिए या यहाँ पे जो थे उनसे जो है आपने दरियाफ्त किया कि भाई हम यहाँ पे अपना खेमा गिराना चाहते हैं, तो आपने बताया इबादत करना चाहते हैं। हाँ नहीं, खेमा गिराना चाहते हैं। अच्छा। इबादत अलग चीज होगी, खेमा गिराना मतलब हम यहाँ पे रुकना चाहते हैं। अच्छा। तो ये जब बताया तो आपने कहा कि ऐसा है भाई आपको जहाँ पसंद हो आप जाके जगह देख लीजिए और रुक जाइए। तो आप हजरात जब आए तो ये जगह मिल गई। उसके बाद में जो है वो आप यहाँ रहने लगे तो इनको जो है पानी की किल्लत हुई, पानी की दिक्कत हुई, तो इस वजह से आपने जो है अपने मुरीदों के जरिए से और अपने खलीफाओं के जरिए से ये जो है नीर शरीफ अपने हाथ से अपनी जिंदगी में खुदवाया था। अच्छा। और खुदवाने के बाद में हर फावड़े पे जो है कलमा शरीफ और दरूद शरीफ पढ़वाया गया था। अच्छा। और उसके बाद इसको खुदवाया गया और इसमें ये बताया गया कि इसमें जो है आबे जमजम का पानी भी आप लाके और इसमें मिलाया था। तो और उसके बाद में आपने खुद फरमाया था कि जो इस पानी में नहाएगा या जो इस पानी को पिएगा चाहे वो किसी भी मर्द का हो जी, कोई भी मर्द हो, यहाँ तक कि बड़े से बड़ा मर्द जैसे कि कैंसर, कैंसर का भी मर्द अगर है, अगर इस पानी से नहा रहा है और इस पानी को पी रहा है तो यहाँ इंशाल्लाह जो है उसको शिफा बहुत जल्द से जल्द मिलेगी। ये हमारे यहाँ जो ये मखदूम साहब का आस्ताना है, इन्होंने जो है अपनी हयात में ये फरमाया था और आज माशाल्लाह ये चीज जो है मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है और मैं यहाँ लोगों को भी देखता हूँ कि यहाँ पे डेली हजारों लोग जो है यहाँ पे जो है हजारों लोग जो है यहाँ पे जो है फैजियाब होते हैं और हजारों लोग यहाँ से जो है अपने घर वतन हंसी खुशी जाते हैं। और मैंने देखा है यहाँ पे हजारों लोग आते भी हैं और जाते भी हैं और सबको यहाँ से शिफा मिलती है, बस ये है किसी को पहले मिल जाती है और किसी को बाद में मिलती है, लेकिन शिफा सबको मिलती है। यहाँ पे अलग अलग टाइमिंग होता है, जैसे कि अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे लोग नहा रहे हैं, ठीक है, और शाम को मैं देख रहा था कि लोग यहाँ पर बहुत सारा हुजूम यहाँ बैठा था बहुत सारा, ये सब टाइमिंग के बारे में मैं आपको बता दूं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है तीन टाइम जो है अदालत लगती है जिसमें लोग जो मरीज होते हैं या जो मरीजा होती हैं ये यहाँ नीर शरीफ के जो है किनारे किनारे या ये पूरा दयार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का है, आप कहीं भी जहाँ आपका दिल करे आप वहाँ पे जो है यहाँ इनसे लॉ लगा के वहाँ पे बैठ जाएंगे, उसी को अदालत कहते हैं, वहाँ बैठ के आप जो है दरूद शरीफ पढ़ेंगे या दुआ करेंगे अपने मरीज के लिए या अपने लिए खुद दुआ करेंगे, तो उसी को अदालत कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये तीन टाइम चलता है, जो कि उसका पहला जो फर्स्ट टाइम है वो सुबह तकरीबन जो है 4 बजे से लेके मतलब फजर के बाद, 4 बजे नहीं फजर के बाद से जो है ये शुरू होता है और तकरीबन 7-7:30 तक रहता है। अच्छा, 7:30 के बाद जो है लोगों का ये जो अभी नहा रहे हैं लोग, ये नहा रहे। जो लोग नहा रहे हैं तो 7:30 के बाद में ये लोगों को जो है 10 बजे तक जो है नहाने का ऑर्डर है, क्योंकि ये जो जगह ये भर जाती है तो नहाने के लिए इसीलिए मना है, बाकी और कभी भी आप नहा सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये यहाँ अदालत का टाइम होता तो लोग बैठे हुए रहते हैं, नहाने में जो है दिक्कत होती है, इस वजह से मना किया गया है आप 10 बजे तक नहाइए। अच्छा, 10 बजे के बाद में जो है एक बार फिर से अदालत लगती है जी, जो कि 10 से 11 तक होती है जी, और 11 बजे के बाद में फिर वही प्रोसेस नहाने का प्रोसेस होता है और यहाँ पे लोग जो है अपना मरीज और मरीजाओं को लेके आते हैं और नहलाते हैं और खुद भी नहाते हैं जी। और उसके बाद में जो है फिर
ये प्रोसेस जो नहाने का, ये शाम को 4 बजे तक चलता है। 4 बजे के बाद में जो है आप यहाँ पे जो है फिर से अदालत लग जाती है, जो कि 7:30 बजे शाम को, मतलब मगरिब के बाद तक जो है अदालत का टाइम होता है। उतने टाइम तक लोग यहाँ पे बैठते हैं और उसके बाद में जो है मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद में वो लोग अपने अपने जो है रूम क्वार्टर जहाँ भी उन लोगों ने अपना हिसाब किताब बनाया है वहाँ वो चले जाते हैं। फिर वही अगले दिन सुबह 5 बजे आते हैं। ठीक है, एक चीज और मैंने देखा कि यहाँ पे मैं रात के वक्त देखता हूँ, अभी दिखाएंगे भी आपको, यहाँ पे बहुत सारे लोग चिराग जला के बैठते हैं। चिराग का क्या वक्त है? चिराग के बारे में देखिए, चिराग वो ऐसी चीज है, कहा जाता है, मैं देखिए ऐसा है कि इसमें कोई किताबी हवाला नहीं है, मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि वो जो चिराग शरीफ है वो बहुत। जी हजरत, एक सेकंड सर, अब मैं आपसे चलते चलते बात करूंगा। जी बताइए, ये जो है यहाँ का जो ये जो है, हाँ, ये यहाँ का जो चिराग शरीफ है वो बहुत तिलिस्मी चिराग जी, जी, और उसकी फजीलत बहुत सारी है। और उसमें जो है मान लीजिए ये कि जो मरीज होता है या जो लोग भी होते हैं, वो जो लोग यहाँ आते हैं वो चिराग शरीफ को यहाँ से आस्थाने में जो 40 दिन जला हुआ चिराग शरीफ है वो लेकर अपने घर वतन जाते हैं, और वहाँ पे अगर उनके घर में कोई भूत बला शैतान या ऐसी और कोई भी बातें हैं तो वो जो है वहाँ पे अगर इसको आप अपने घर मकान दुकान में अगर 40 दिन इसको जो है रोशन करते हैं तो वहाँ से जो भी भूत बला और मर्द बीमारियाँ हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सारी वहाँ से फना हो जाती हैं, यानी भाग जाती हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और देख रहा हूँ, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर देखिए कट्टियाँ हैं, यहाँ पे ये मटके हैं, ये क्यों? ये सुन्नत की चीज़ है। यहाँ पे ये बताया गया है कि ये नीर शरीफ जो है इसमें जो है आधे जमजम का पानी मिलाया गया है, तो उस हिसाब से हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो है ये सुन्नत है कि आप खुद जो है मिट्टी का बर्तन यूज किया करते हैं। जी जी, तो उसी तरीके से ये जो मिट्टी का बर्तन है यहाँ पे नहाने के लिए लोग जो मरीज आते हैं वो नहाने के लिए यूज करते हैं। ज्यादातर बेहतर यही होता है कि आप मिट्टी के बर्तन से नहाएं, लेकिन और ये कट्टियाँ जो है ये यहाँ का जो नीर शरीफ का पानी जब तक वो लोग यहाँ रहते हैं तब तक वो पीते हैं, और जब वो अपने घर वतन वापस जाना चाहते हैं तो जो है ये कट्टियों में जो है पानी लेकर अपने घर वतन चले जाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह तबर्रुक के तौर पे यहाँ पे लोग आते हैं और पानियों को देखो कुछ इस तरीके से कट्टियों में भर भर के अपने साथ में ले जाते हैं। देखो कंग ये देखिए तबर्रुक के तौर पे कट्टियों में पानी भर भर के लोग लेके जाते हैं। देखिए लेके जा रहे हैं, ये जिंदा करामत है। देखिए देखिए बड़े दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे दरबार के पानी से नहाते हैं और शिफायात होते हैं माशाल्लाह। देखिए यहाँ पे जो रूहानी इलाज होता है वो इसी तरीके से होता है, यहाँ पे जो पागल वगैरह होते हैं, हाँ, उनको जो है ला के यहाँ पे जंजीरों में बांध देते हैं और पूरे टाइम नहलाना, हाँ, अदालत करवाना, 40 दिन का चिल्ला करते हैं। अच्छा, कोई दिन तो 40-40 बार करके कई बार हो जाते हैं, ज्यादा पेचीदा जो मर्द होता है या अपराध वाला जो मामला होता है उसमें काफी दिन लगते हैं, इस वजह से लोग रुके हुए रहते हैं। कितने दिन में हो जाता है इसका? देखिए यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो 40 दिन का जो है चिल्ला किया जाता है। हम इनसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि यहाँ पर ये भाई जो हैं ये देखो पैरों में जंजीरों से जकड़े हुए हैं, तो ये इनके बारे में बताइए कैसे कितने दिन का ये यहाँ पे जो रूहानी इलाज, जैसा कि मैंने बताया कि ये आस्थाना मखदूम अशरफ है जी, और यहाँ पे जो है रूहानी इलाज होता है जी। तो यहाँ पे भाई देखिए रूहानी इलाज में जो है भूत शैतान बला मुसीबत ये सारी चीजें आती हैं जी। कुछ लोग जो है दिमाग से जो है डिस्टर्ब होंगे। वालेकुम सलाम, ये देखिए हमारे सब्सक्राइबर मिल गए हमारे वीडियो को देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से यहाँ पे इलाज होता है, अब जैसे मरीज हैं ये किसी को नुकसान ना पहुँचाएं, हाँ, इस वजह से इनका क्योंकि इनका दिमाग जो है वो डिस्टर्ब होता है जी, तो किसी को नुकसान ना पहुँचाएं, इस वजह से इनको जो है बेड़ियों में जकड़ दिया जाता है ताकि ये किसी को नुकसान ना पहुँचाएं, और एक तरीके से इनको बांध के रखा गया है। और बाकी यहाँ मखदूम साहब के आस्थाने के सामने बैठी हुई इनकी हाजिरी हो रही है जी, और हाजिरी के दौरान ये जो है अपना काम कर रहे हैं, इनको शिफा इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द मिल जाएगी। मिल जाएगी, तो ये कितने दिन की पूरी हाजिरी लगती ये है? ये देखिए यहाँ मैक्सिमम जो है 40 दिन का चिल्ला किया जाता है, जो मरीज आते हैं, हाँ, वो कोई 3 दिन का करता है, कोई 7 दिन का करता है, कोई 11 दिन का करता है, कोई 21 दिन का, लास्ट जो यहाँ पे चिल्ला करने का जो नियम है वो 40 दिन का है। 40 दिन तक यहाँ पे मरीज मेरे हिसाब से तो कुछ ना कुछ नतीजे पे पहुंच जाता है, माशाल्लाह, या तो उसको शिफा मिल जाती है और या तो कुछ बाकी रह जाता है, अदब जितना ही इतना है। लेकिन इसमें जो मसला ये होता है कि आप जो है अगर यहाँ पे जो है जितना अदब व एहतराम से रहेंगे उतनी जल्दी आपको शिफा मिलेगी, तो मैं यही कहूँगा। और बाकी लोगों को मैं देखता हूँ यहाँ पे कुछ काफी दिनों से भी लोग पड़े हुए हैं यहाँ जी जी, और जिनका जैसा अकीदा है उसी तरीके से यहाँ पे शिफा मिल जाती है। शिफा मिल जाती, मतलब दिल में अकीदा होना चाहिए तो सब हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर दिल में आपके यकीदा है तो यहाँ पे बहुत जल्द से जल्द शिफा मिलेगी, क्योंकि ये बहुत बड़े भली का आस्थाना है। बेशक, एक चीज लास्ट में आपसे और जानना चाहूंगा,
यहाँ पे जो चिराग दरबार में जलाया जाता है, दरबार में चिराग, जैसा कि आपने बताया, हाँ जी, तो ये चिराग किस तरीके से लोग हासिल कर सकते हैं? भाई देखिए, चिराग का जो है ऐसा है, चिराग तो यहाँ आके भी लोग ले सकते हैं, और जो भाई नहीं आ सकते हैं उनको जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक प्रोवाइड करवा दीजिए, या तो फिर कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए, वहाँ से आप मेरे द्वारा भी ले सकते हैं। अगर आप मुझे फ़ोन करेंगे, कॉल करेंगे, तो मैं आपको दिला, हाँ बस इतना आप ख्याल रखेंगे कि जो चिराग शरीफ है जो लेंगे आप, वो 40 दिन जला हुआ होना चाहिए। अच्छा। अगर वो 40 दिन जला हुआ नहीं है तो फिर वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ दुकान से लेके उसको यूज़ करेंगे तो उसमें हम क्या यकीदा रखेंगे या उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? मतलब ये कि वो चिराग दरबार में पहले 40 दिन तक जलाया जाता है जी, उसके बाद में ही तबर्रुक के तौर पे जायरीनों को दिया जाता है जी, बिल्कुल। अच्छा, उससे क्या शिफायात होती है, मेरे को थोड़ा बता। शिफा के बारे में, जैसे अगर किसी के रोजी रोजगार कारोबार में दिक्कत आ रही है, या किसी ने बांध दिया है, या कोई दिक्कत है, या किसी ने मतलब उनके रोजी रोजगार पे कुछ करा दिया है, तो आप उसको अपने दुकान में जो है 40 दिन जलवाइए जी, और 40 दिन जलवाने के बाद में इंशाल्लाह आपका जो भी रोजी रोजगार होगा वो इंशाल्लाह जो है पहले से डबल हो जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। और दूसरा ये है, लोग उसे अपने घरों में भी ले जाके जलाते हैं। मान लीजिए उनके घर में किसी भूत आसेब या कोई जिन्नात का साया है या और कोई चीज है, या उनके घर में ज़्यादा परेशानियां रहती हैं, तो वहाँ आप उनको जो है आप अपने उनके घर में भी जला सकते हैं, और जलाने से इंशाल्लाह जो भी भूत प्रेत या जिन जिन्नात का जो भी साया है वो निकलकर भाग जाएगा। सुभान अल्लाह। तो देख सकते हो यहाँ पे दरबार पे आएंगे तो एक नहीं अनेकों करामातें देखने को मिलेगी, और जो कि अपने आंखों से यहाँ पे मैं खुद देख रहा हूँ। यहाँ पे ये जायरीन आए हुए, इन्होंने कहा कि मैं कई समय से आता रहता हूँ, और इन्होंने कई करामातें यहाँ पे देखी और कई लोगों को बेनिफिट होते हुए भी देखा है। सरकार मखदूम पाक का खरा। कब से आ रहे हो आप यहाँ पर? मुझे लगभग 10 साल हो गए। 10 साल से क्या क्या देखा यहाँ पे इन 10 सालों में आपने? मैं तो पहले अपना ही बता दूं। जी आपका ही बताइए। क्योंकि मैं तो एक मरा हुआ लाश बन के आया था इस सरकार के दरबार में, और इन्हीं का करम है जो आज मैं जिंदा हूँ, और मेरे बच्चे, मेरे परिवार सब लोग आज सरकार मखदूम पाक के करम से बहुत अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं। और कोशिश यही हम भी करते हैं, सरकार से दुआ करते हैं कि जितने भी मरीज यहाँ आते हैं सरकार का करम हो कि लोग ऐतो एहतराम से रहें, और जितना भी अदब करें उतना ही जल्दी लोगों को शिफा मिले। माशाल्लाह। ऐसा क्या हुआ था आपके साथ में कि फिर आपने यहाँ पे दरबार में हाजिरी लगाई और आपका हो गया सब काम? पहले काफ़ी दिन मैंने 2 साल बीमार था जी, डॉक्टरों को दिखाया, फिर समझ में नहीं आया, पेट से कुछ दिक्कत था जी, और मैं समझ में नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आया, मैं परेशान था, दवा कराते कराते थक गया जी। फिर किसी ने बताया कि भाई आप चले जाओ सरकार के दरबार में जी, और मैं ज्यों ही आया सरकार के बारगाह में जी। सरकार का बहुत बड़ा करम है बेशक, कि आते ही मुझे शिफा तुरंत नज़र आ गई, और मैं तुरंत ही आराम महसूस किया, और पहली बार आया तो कम से कम 4 दिन रहा सरकार के बारगाह से फिर गया, और वही सिलसिला मेरा जुड़ा, और मैं आज जिंदा हूँ सरकार की बारगाह। मतलब ये कि सुकून की पैलेस है, यहाँ पर आने के बाद मुर्दों को भी जिंदगी मिल जाती है। हर इंसान यहाँ आने के बाद ये नहीं कहेगा हाँ कि मुझे आराम नहीं मिला, ये नहीं कह सकता है कोई। ये देखिए काफी दूर दूर से लोग आते हैं। आप लोग कहाँ से आए चाची लोग? हम लोग बिहार से। बिहार शरीफ से। कब से आए हुए हैं आप यहाँ पर? 22 दिन से। कैसा लगा यहाँ आकर के? अच्छा लगा माशाल्लाह, सुकून की पैलेस है ना। मुझे आपसे एक चीज और भी कहनी है, कोशिश करें कि जैसे यहाँ हर जगह कब्र है जी, कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ कब्र ना हो, और जूता चप्पल अगर हम घर पे क्वार्टर पे ही उतार के आते हैं, कोशिश करते हैं कि जितने भी जारिन में हैं बेचारे नहीं जानते हैं वो क्वार्टर पे ही उतार के आए। गली की चौखट है, पता नहीं कहाँ आपसे बेअदबी हो जाए, कोई नहीं जानता, क्योंकि ये पूरा करबला कहा जाता है। करबला कहा जाता है यहाँ पूरा जगह जगह कब्र है। करें उतना ही। मैंने सुना कि ये जो दुकानें आज बनी हुई है ये कब्रिस्तान था ना? ये पूरा पक्की कब्रिस्तान। अच्छा, जहाँ हम खड़े हैं यहाँ भी हो सकता है कब्र हो, हमको नहीं जानकारी है। तो माशाल्लाह अदब एहतराम जरूर करें। जितना बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैंने यहाँ पर आपके बारे में, यहाँ के बारे में ऊपर भी करम एक मुलाकात हो गया, मैं मोबाइल में देखता था माशाल्लाह। मैं जरूरत करना चाहता हूँ, हमें अंदर तो हमारी वीडियो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जी आप कुछ बता रहे थे, इधर देखो, एक बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं। जी आप बता रहे थे यहाँ के बारे में, बताइए। एक लड़की बहन कल आई है, वो कहे बरम रहा। क्या था बरम? ये क्या था? खबीस भी खलल उठा है बच्ची के ऊपर होगा। देखो 3 मरतबा ये लहुआई दी है, देखो सही हो गई। सुभान अल्लाह, ये देखिए जिंदा करामत। यहाँ पर 2-3 बार लड़की कह रहे हैं कि खबीस था उसके ऊपर, कोई शैतान था, और 2-3 बार नहलाया। यहाँ पे नहलाने के बाद वो लड़की एकदम सही हो गया।
सही बिल्कुल सही हो गई सुबह चल रहे हैं घर। वो ये नहीं कह सकता कि मैं सही नहीं हूँ। अब घर जा रहे हो? ये आपके साथ खुद हुआ? हाँ। अरे वाह वाह माशाल्लाह, इनके खुद के परिवार में ये हुआ, देख सकते हो। जिंदा करामत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। करम है ठीक है माशा। और एक चीज बता दूं आपको, यहाँ वालों की मोहब्बत ये देखिए, हजरत हमें मिले हैं माशाल्लाह। मैं घर जा रहा था वापस, इन्होंने कहा खान साहब आपको ऐसे ही नहीं जाने देंगे, आपको चाय नाश्ता जूस तो पिला के भेजेंगे। तो ये यहाँ के लोगों की मोहब्बत है। ये खादिम साहब है, इन्होंने पहले जूस पिलाया जो कि पेट भरा हुआ है। और ये हजरत खान साहब महाराज से गोरखपुर से माशाल्लाह, इन्होंने कहा खान साहब आपको जूस पी के जाना पड़ेगा, इतनी मोहब्बत करते हो यार। मैं तो गाइस फाइनली अब मेरा पार्ट टू आ गया, जिसके अंदर हम दरगाह शरीफ की पूरे अंदर दरगाह की ज़ियारत कराएंगे, और उसके साथ साथ आप लोगों को बताऊंगा कि इस दरगाह शरीफ में आप लोग कैसे जा सकते हो और कैसे आप लोगों को गाड़ी मिल सकती है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, छोटा भाई तुम्हारा सपोर्ट करें। किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर मिस्टर खान अजमेर और जैन साहिल खान फिजुकुन रहे। तो मिलते हैं भाई, अल्लाह हाफिज़। और इसके साथ साथ बता दूँ, चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना।